एक नया फंक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में आपको देखने को मिलेगा, वो है कॉनकैट। ठीक है, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे कॉनकैट। तो देखिए कॉनकैट इनेट और कॉनकैट दोनों दिखाई पड़ रहा है आपको। अब ये कॉनकैट इनेट क्या करता था, देखिए यहाँ पर आता हूँ, कॉनकैट इनेट ले लेता हूँ। ठीक है, कॉनकैट इनेट क्या करेगा, जैसे एक यहाँ पे लिया हमने, फिर यहाँ कॉमा दिया, ठीक है, फिर दूसरा लिया कॉमा दिया, ठीक है, और यहाँ तीसरा लिया कॉमा दिया। अब यहाँ पर हमको हर बार डिलिमिटर के तौर पे कॉमा देने की जरूरत पड़ रही है, फिर ये हर एक को एक साथ लाकर के हमें दे देगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में स्पेस दे देंगे तो स्पेस भी दे देगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आए और यहाँ पर एक दे देता हूँ गैप लाइक दिस, ठीक है, और ये गैप दे करके कॉमा जो है डिलिमिटर के तौर पर आपको देना होगा, तो यहाँ पर ये गैप भी दे देगा। ठीक है, अब जो कॉनकेट फंक्शन है उसकी खास बात क्या है कि इज इक्वल टू का निशान लगाइए और यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे कॉनकेट ले लीजिए और सीधा इसको पकड़िए यहाँ से और उठाइए और इसको लेकर के यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक आ जाइए, आपको सीधा इसी को सेलेक्ट करना, एंटर प्रेस कर देना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर गैप देना चाहते हैं तो यहाँ से बीच में गैप भी दे सकते हैं, यहाँ से F2 करके आपको एडिट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक गैप देना चाहते हैं तो गैप भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी एंटर करता हूँ और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे, अब देखिए इसमें भी कॉनकैटिनेट का यूज करके यहाँ पे देखिए कॉनकैटिनेट ये आ गया और यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर इधर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, बस अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ देवरिया आ गया, ये देखिए सिर्फ देवरिया। अब देखिए मैंने किया क्या है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट कर दिया हमने इस तरीके से, और कॉनकैटिनेट को अब यहां से कॉनकैटिनेट करवाएंगे। ठीक है, तो यहां से चलते हैं यहां तक, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो यहां पर खाली देवरिया आ रहा है, देखिए ना। और अगर बीच में कोई गैप नहीं है लाइक देखिए यहां पे देखिए ये कॉनकैटिनेट यहां पर आए और अब देखिए यहां पर कोई गैप नहीं है ना, तो इसको ले लेते हैं, ये इस तरीके से ये आ गए और अब इसको बंद किया और एंटर प्रेस किया तो यहां पे पहला ही नंबर सिर्फ आ रहा है, देखिए सिर्फ पहला वाला। ठीक है, या तो पहला वाला या तो लास्ट, ये कॉनकैटिनेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आप डिलिमिटर नहीं देते हैं तो ये कॉनकैटिनेट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। और कॉनकैट की खास बात क्या है जो कि 2019 में हमें देखने को मिल जाता है, तो यहां पे अगर कॉनकैट लगाते हैं आप कॉनकैट लाइक दिस, तो ये देखिए कॉनकैट लगाया हमने और उठाइए ये पूरा का पूरा टेबल ही हम कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, यहां से आए नीचे की तरफ आएंगे, सेलेक्ट कर लिया, कहीं भी कुछ भी डिलिमिटर हमने दिया नहीं है और एंटर प्रेस करेंगे, सब एक साथ आ गया। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख सकते हैं आप, ये सबको एक साथ लेके आ चुका है। ओके, अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूं, एक तरीका बताता हूं आपको, ये देखिए यहां पर क्लिक किया और अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और हमको इसको जो है रिसाइज करना है, तो आप Alt-H-O-I प्रेस कर सकते हैं रिसाइज करने के लिए। देखिए एक ही कॉलम में आ गया है इस तरीके से। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग तो नहीं है, एक ही काम के लिए यूज होते हैं लेकिन तरीका अलग है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।